बेटी दिवस पर प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा ने कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में की बेटियों से मुलाकात। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा ने विश्व बेटी दिवस पर बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र पर जाकर बेटियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि अनुसंधान केंद्र में बेटियों से मुलाकात के दौरान उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की और उन्हें कहा कि एक बेटी पढ़ती है तो 7 पीढ़ियां तरती हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र पर पढ़ाई करने वाली बेटियों ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाने से वे आत्मनिर्भर बनती हैं और स्वाभिमानी बनती हैं। इस दौरान प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा ने बेटियों को विश्व बेटी दिवस पर नगर भ्रमण भी करवाया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा, प्रांतीय जेवी प्रमुख नाथजी भाई पाटीदार, रोशन व्यास आदि मौजूद रहे। पहले तो मैं आज इन सब बेटियों को मेरी ओर से विश्व बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बेटियों को आगे और आगे बढ़ें और मेरे राजस्थान और भारत का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। वैसे मेरा नाम तमन्ना जाट है और अंकल जैसे आज बेटी दिवस है विश्व, तो आज हमने जो ईश्वर अंकल है इन्होंने हमें मई डैम जगमेरू हिल्स का भ्रमण करवाया था, वो बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत आनंद आया था हमें। और मतलब ये है कि बेटियां हैं तो सब कुछ है, देश का भविष्य है, बेटी ही स्वाभिमान है तो बेटी ही अभिमान। मेरा नाम लिया चाचू, मैं कपासन से हूँ। आज हमें चांदनी के पापा ने मतलब पूरा भ्रमण कराया था माही डैम और हिल्स का। तो मतलब डॉटर्स डे के अकॉर्डिंग मैं एक पोयम बोलना चाहती हूँ। बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरे किसी और आंगन में, क्यों ये रीत भगवान ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। देखे जानम जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, और वही आए उन्हीं हाथों से हमें विदा किया। टूट के बिखर जाती है हमारी जिंदगी, पर फिर वहाँ प्यार मिले जरूरी नहीं, क्यों ये रिश्ता इतना हमारा अजीब होता है, क्या बस यही हम बेटियों का नसीब होता है। थैंक यू। आज मैं ईश्वर जी प्रधान साहब के साथ में मैं उनकी बेटी को मिलने के लिए आया कृषि अनुसंधान केंद्र पे, तो मुझे बड़ी अपार खुशी हुई कि यहाँ पर बेटी दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के दिन कई बेटियों के साथ मिलने का अवसर मिला और उन बेटियों ने हमें बहुत बहुत दीर्घायु की शुभकामनाएं दी और हम भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और यह एक अच्छा अवसर है कि आज बेटी दिवस है और कल ही हमारा कन्या नवरात्रि दिवस है, यानी कन्याओं का मतलब एक बहुत बड़ा हमारे भारतीय संस्कृति में जो त्यौहार है 9 दिनों के नवरात्रि, उन दिनों में कन्या पूजन होगा और इस दिन मतलब कई कन्याओं से मिलने का बहुत बड़ा अवसर मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ और इन सभी कन्याओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।